टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी भी पूरा भारत कोरोना वबा से लड़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी इस मामले में पीछे नहीं। इंतजामिया ने 9 मई से नए लॉकडाउन का नफाज कर रखा है जो 17 मई तक रहेगा, ताकि कोरोना के फैलाव के सिलसिले को जम्मू कश्मीर में रोका जा सके। ये कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के 20 अजला में लागू है। इस नए कर्फ्यू का आगाज 29 अप्रैल को हुआ था। इस लॉकडाउन की एक खुसूसी रिपोर्ट देखें। हर सुबह फैलते कोरोना वबा के पेश नजर वादी के एक शख्स तारिक अहमद पतलू ने एम्बुलेंस कश्ती बनाई है जो डल लेक के इर्द गिर्द हाउस बोट्स में बसने वाले लोगों को तिब्बी मदद फराहम कर सकेगी। इस एम्बुलेंस में फर्स्ट एड किट, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और पीपीई किट भी शामिल की गई है। इसके साथ साथ तारिक अहमद लाउड स्पीकर पर लोगों को कोविड वबा के खिलाफ तिब्बी मालूमात भी फराहम करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि उन्हें एक डॉक्टर भी फराहम किया जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 50,000 से जायद एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। के अंदर मैंने स्ट्रेचर, व्हील चेयर, फर्स्ट एड, ऑक्सीजन, ये मैं सब इसमें रखा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कॉल आती है, मुझे कॉल्स आते हैं रोज़, जैसे ही मुझे कॉल आती है मैं जाता हूँ, मैं उनको हेल्प करता हूँ। ये मेरा अभी स्पीकर है, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि आप घरों में रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि अभी अगर हम एक बंदा पॉजिटिव होता है एक घर के अंदर, ये समझे कि पूरा ख़ानदान इसके अंदर इस लपेट में आता है। कोविड के इन्हीं मुश्किल दिनों में मुस्लिम हिंदू भाईचारा भी बढ़ता नजर आ रहा है।
हाल ही में करण नगर के इलाके के एक स्कूल प्रिंसिपल पंडित विशन की बीवी की तदफीन की सारी हिंदू रसूमात के इंतजाम मुसलमान कम्युनिटी ने किए। इस तरह के बहुत सारे और भी वाकयात देखने को मिल रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए एक खसूसी रिपोर्ट। Hundreds of people, mostly Muslim, recently gathered at the home of Kashmiri Pandit V.L. Vishan, who is a principal of Cassett School in Karanagar area of Srinagar, to condole the death of his wife, Raj Dulari Vishan. Even though belonging to other community, they did all the arrangements of funeral ceremony as per Hindu rituals, presenting a beautiful picture of Kashmiriyat, which signifies the centuries-old indigenous secularism of the land of Jammu and Kashmir. Though Raj Dulari has lost the battle of life, but for her family and neighbors, she was a true fighter, because during the tumultuous year of 90s, when all pandits were leaving Kashmir due to militancy, she supported her husband and decided to stay back with her Muslim brethren. 90s mein usne sari zindagi mera saath diya. 90s mein jab sare Kashmiri pandit bhag gaye, wo mere saath thi aur usne mujhe saath diya. Uski wajah se hi main baitha raha. क्योंकि उसका सपोर्ट बहुत था और यहाँ के लोग जो है उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और अगर उनका साथ ना होता तो मैं कहाँ बैठता यहाँ पर। और इस वक्त भी सारे हमसाया मुसलमान भाई, मेरे स्टाफ जो सारे ही मुसलमान हैं, मेरे पीछे खड़े हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ कश्मीर बिकॉज ऑफ विच आई स्टेड हियर, द लव दैट शावर्ड ऑन मी। मुझे ऐसा लगता है कश्मीर जैसा कहीं जगह नहीं है और कश्मीरी जैसे लोग कहीं नहीं है। Besides making all the arrangements, Muslims also helped in carrying the body of the deceased to the cremation pyre. They said she has always loved them like her children and they too have always respected her like a mother. ये हमारी माँ जैसी थी। 25 साल से हम इनको जानते हैं। मैं 25 साल से यहाँ पे इनके पास काम करता हूँ एज टीचर। जो अभी आपने देखा प्रोफेसर सीएल विशन साहब, वो हमारे हेड हैं, उनके अंडर हमने 25 साल से काम किया है। तो ये जिनका देहांत हुआ है, ये हमारी माँ जैसी थी। हमें अपने बच्चों की तरह इसने पाला है, हमसे प्यार किया है। तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ इस घर का नुकसान नहीं है, ये हमारा भी नुकसान है। It's due to the courage showed by a woman at a time when others decided to quit, that today all her neighbors, no matter which community they belong to, came to attend her funeral ceremony and bid her final goodbye. भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को इस बार ईद उल फितर लॉकडाउन की फिजा में मनाना होगी। उलमाए किराम भी अवाम से अपील कर रहे हैं कि इस साल ईद की नमाज घर पर अदा करें और ईद मिलन के सिलसिले को रोके रखें। इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और आइंदा भी ईदें पहले की तरह लोग मनाएंगे। टैग टीवी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। हमें इस साल इन्हीं मुश्किल हालात से लड़ते हुए ईद के मौका पर सबके लिए दुआगो होना है। आज का जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।